नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी मैं पहुँचा हूँ मुंबई के वर्ली एरिया में, और जहाँ पे मैं अभी पहुँचा हूँ ये है ओमकार 1973 टावर। पीछे देख रहे होंगे, उधर से दिखा दूंगा आगे चलते। तो इसमें इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली रहते हैं और युवराज सिंह भी रहते हैं इसी में, यानी 34वें माले पे तो विराट कोहली रहते हैं और 35वें माले पे रहते हैं युवराज सिंह। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन क्रिकेटर के घर दिखाने वाला हूँ जो मुंबई में, वहां पे लिखा हुआ है 1973 और ये है टावर। इस साइड यहाँ पे पार्किंग एरिया है और ये फ्लोर है, काफी ऊंचा है। तो इसके 34वें माले पे रहते हैं विराट कोहली और 35वें पे रहते हैं युवराज सिंह। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं क्रिकेटर रोहित शर्मा का जो फ्लैट है ना, इस बिल्डिंग के अंदर है। अहूजा टावर के नाम से ये बिल्डिंग है, वहां पे बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है अहूजा टावर। तो इसके कौन से फ्लोर पे रहते हैं पता है कुछ? कौन से फ्लोर पे रहते हैं? 29 फ्लोर पे रहते हैं। 54 है टोटल, ऊपर से नीचे तक 54 फ्लोर है। अच्छा, 29 पे रहते हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया था विराट कोहली, युवराज सिंह, रोहित शर्मा का घर, वो था वर्ली एरिया में। और अभी हम आ गए बांद्रा। बांद्रा है ना, तो सामने यहाँ पे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का घर है, ये वाला। आगे से दिखाओ जरा, ये वाला घर काफी खूबसूरत घर बना हुआ है। अच्छा, उन लोगों का फ्लैट था और इनका पूरा घर बना हुआ है। दिखाओ एक बार पूरा अच्छे से, ऊपर से देखो, काफी खूबसूरत घर है। इसकी कीमत जानने के लिए अभी हमने गूगल किया है, तो गूगल ने हमको बताया कि 2007 के अंदर इसको 38 करोड़ का उन्होंने खरीदा था, यानी जमीन को खरीदा था, और 78 करोड़ रुपए इसे बनाने में लग गए। तो लगभग लगभग 125 करोड़ हो गया ना, 125 करोड़ इसका कीमत है अभी। और तीन माला बना हुआ है, 1 2 3, हाँ 3 माला बना हुआ है। घर काफी खूबसूरत है, ये यहाँ पे गेट बना हुआ है। आगे देखो, वहां पे नेम प्लेट भी लगा हुआ है शायद, ये क्या लिखा है, ये यहाँ पे पैरी क्रॉस करके कुछ लिखा हुआ है, पैरी क्रॉस। हालांकि सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत हाई है, कैमरा वैमरा लगे हुए हैं, बाहर तो कोई बैठा नहीं है। निकलते हुए जा रहे थे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बाली मोहम्मद मामला चौक। यहाँ पे एक बंगला है ये वाला, जिसमें जैनल भाई बता रहे हैं कि इसको कबीर सिंह मूवी में दिखाया गया है, और हमको तो पता नहीं है। अगर दिखाया गया, आप लोगों ने देखा है तो एक बार कमेंट करके बताइए। और जैसा कि बता रहे हैं, और भी कई फिल्मों के अंदर इसको दिखाया गया, काफी खूबसूरत बंगला बना हुआ है। वैसे तो ये चर्च टाइप का लग रहा है, लेकिन है ये बंगला। आगे से दिखा दो, ये तो बर्थडे सेलिब्रेशन सिद्धार्थ का है ना फोटो। हाँ हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला। हाँ हाँ,
फर्स्ट दिसंबर थे बांड्रा, जहाँ पे हमने आपको सचिन तेंदुलकर का घर दिखाया था। और अभी हम आ गए हैं खार, थोड़ी सी दूरी पे चले होंगे, लगभग 2-3 किलोमीटर दूर होगा ना उधर। यहाँ पे मंदिर है श्री सिद्ध विनायक देवस्थान, और इधर यहाँ पे ये बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें रहते हैं क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, डांसर नौरा फतेही रहती है इसमें। तो वो हम आगे से दिखाएंगे, अभी मैं बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ। ये बिल्डिंग दिखा दीजिए, काफी ऊंची बिल्डिंग है। बारिश भी आ गई यार। तो इसके नमे माले पे रहते हैं क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, और सोलवें माले पे रहती हैं डांसर नौरा फतेही। वैसे तो हमने इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया था क्रिकेटर का घर, लेकिन वो इसी में रहती हैं, तो हमने कहा उनके बारे में बता देते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और आज की इस वीडियो का क्रेडिट जाता है जैनल भाई को, थैंक यू भाई, जो इधर मुंबई से ही हैं। इनका भी यूट्यूब पे चैनल है, मुंबई की वीडियो बनाते हैं, एक्टरों के साथ इनकी कई वीडियो है मैंने देखी हैं, और फिल्म सिटी का भी वीडियो इन्होंने बनाया है। हमारा क्या है कि हम तो बाहर की वीडियो बनाते हैं, लेकिन ये मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो इनके चैनल पर विजिट कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। थैंक यू। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।